कि तकरीबन 4:30 के टाइम पे इतला मिली कि शेखपेट में गवर्नमेंट स्कूल में जो है बीजेपी की फोकसिंग हो रही है। तो मैं फौरी वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर पहुँच कर मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर को यही बताया कि जेन्यून वोट है तो उन लोगों का वोट इस्तेमाल करने दीजिए, वरना मत करने दीजिए, क्योंकि फिरका परस जमातें बखलाहट का शिकार होकर ये हरकत कर रहे थे। तो मैं वो चीज़ को रुकाया और पूरे फिरका परस जमातें एक होकर मेरे पे और मेरी जमात पे अटैक करने की कोशिश की। पिछले इलेक्शन स्टार्ट हुए जब से आप लोग देख रहे हैं, सदर मोहतरम बैरिस्टर हसन अवैसी साहब ने आवाम को कह रहे थे कि ये प्लानिंग में है हैदराबाद का माहौल ख़राब करने के लिए। आज वही हरकत वो लोग करके बताएं, उसके बाद वो लोग मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करें। आपके ऊपर हमला हुआ? जी हाँ हुआ। या हमला करने वाले पहले हमला करने के लिए आए, उसके बाद पुलिस लाठीचार्ज करी, फिर उसके बाद मुझे पुलिस की तरफ से ये हुक्म आया कि वहीं कि आप हम लोग आपको प्रोटेक्शन देकर अपने यहाँ से निकालते हैं। क्या आपको पुलिस ने प्रोटेक्शन दी? आप जी हाँ। फिर उसके बाद मैंने बैरिस्टर साहब से बात किया, उसके बाद सदर साहब ने मुझे हिम्मत दिलाई कि जो मेरी ताकत है। उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर साहब टास्क फोर्स पूरी आकर वहाँ से मुझे जब बाहर निकाल रहे थे, पुलिस की मौजूदगी में मेरे ऊपर खतरेबाजी हुई, जिससे मेरे को दो खतरे भी लगे हैं। पुलिस मौजूद थी, मेरे इंस्पेक्टर साहब भी मौजूद थे, वो आई विटनेस है मेरे साथ। क्या आप लोग की कार में कुछ डैमेज हुआ आप लोग के पार्टी वर्कर्स? नहीं, कार तो मेरी दूर थी, क्योंकि पोलिंग स्टेशन से काफ़ी दूर गाड़ी रख के जाना पड़ता है, इसी वजह से मेरी कार। उसके बाद लाठी चार्ज में हमारे बच्चों को भी जो है मार लगे, जमात के वर्कर्स को। पुलिस की मौजूदगी में भी अलग खतरनबाजी करे हैं। क्या पुलिस अभी एक्शन ली या नहीं ली? केस करेंगे? कंप्लेंट दे चुके हैं और एक्शन कैसा भी 100% इस पर होगा, क्योंकि ये पूरा दसा परस एक होकर जो है ये हम पर हमला किया है। अभी एक उन लोगों की तरफ से एक वीडियो वायरल हो रही है, वो लोग के भी कि आप लोग मिलके आपकी पार्टी के वर्कर्स मिलके उनके ऊपर अटैक करें, बोलते तो इसके लिए क्या बोलेंगे आप? वहां पर पूरी पुलिस मौजूद थी, पुलिस के सामने ये पूरी चीजें हुए हैं, कोई पुलिस के नजरअंदाज के उसमें नहीं हुआ, पुलिस मौजूद थी, पुलिस अच्छी तरीके से जानती है कि कौन हमला है। तो आप क्या मुताबला करेंगे? आप हुकूमत से यही कहना चाहता हूँ, मैं आज जमात के वर्कर से ये लोग पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लें और केसेस रजिस्टर।